दोस्तों जब भी हम आधार कार्ड को डाउनलोड करते हैं तो आपने देखा होगा आधार कार्ड में सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड लिखा होता है और येलो कलर का एक क्वेश्चन मार्क बना होता है, यानी कि हमारा आधार कार्ड सिग्नेचर वेरीफाइड नहीं है। लेकिन सिर्फ 2 मिनट में दोस्तों आप अपने आधार कार्ड में कुछ इस प्रकार का यानी कि सिग्नेचर वेरीफाइड कर सकते हैं और इस प्रकार से यस का आइकॉन आ जाएगा ग्रीन कलर में, मतलब कि अपने आधार कार्ड को आप वेरीफाई कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में, जिसके बाद दोस्तों आप उसे कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे दोस्तों आप अपने आधार कार्ड में जो येलो कलर का क्वेश्चन मार्क आ रहा है और लिखा हुआ आ रहा है सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड, उसे हटाकर वहां पर कैसे आप ग्रीन टिक लाएंगे, कैसे सिग्नेचर वेरीफाई कराएंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। दोस्तों आधार कार्ड में सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना है UIDAI। जैसे आप ये लिखकर सर्च करेंगे पहला जो लिंक आएगा UIDAI का, इसे आपको ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, इसे यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डाउनलोड आधार, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप माय आधार के पोर्टल पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर नीचे डाउनलोड आधार के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आधार को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधार नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है इसे यहाँ पर टाइप करना है, सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, वह OTP दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। OTP टाइप करने के बाद आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आधार कार्ड को डाउनलोड करना है। आधार कार्ड का पासवर्ड क्या होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे आधार कार्ड का पासवर्ड, आपके नाम का फर्स्ट 4 डिजिट और आपका बर्थ ईयर, यही आपका पासवर्ड होगा। तो इसे सबसे पहले हम ओपन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं, नेम का फर्स्ट 4 डिजिट कैपिटल लेटर में और बर्थ ईयर। जैसे आप ये डालेंगे आपका जो आधार कार्ड है आप यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हो जाएगा। अब इस आधार कार्ड में मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हो, है ना, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है येलो कलर का। तो इसे दोस्तों कैसे हम वेरीफाइड करेंगे, कैसे यहाँ पर ग्रीन टिक लाएंगे, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपके कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन होगा जिसका नाम है एडोब रीडर। अगर ये नहीं है तो कैसे आप डाउनलोड करेंगे उसका प्रोसेस भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसी ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है, यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ओपन फाइल। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपने आधार कार्ड डाउनलोड किया है ना उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और ओपन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो पासवर्ड लगा हुआ है उस पासवर्ड को यहाँ पर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपना पासवर्ड टाइप कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ओके करना है, फिर आपका जो आधार कार्ड है कुछ इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर भी दोस्तों आप देखेंगे तो अभी करंट टाइम में जो सिग्नेचर है वो वेरीफाइड नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैलिडेट अननोन दिखा रहा है और क्वेश्चन मार्क बना है ना। तो आपको दोस्तों इसी के ऊपर ना एक बार क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से एक पॉपअप आएगा, तो यहाँ पर सिग्नेचर प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शो साइनर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, ट्रस्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर ट्रस्ट दिया है इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर नीचे एड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ओके करना है और यहाँ पर ये जो चेकबॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे के तीनों चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कर लेना है इस प्रकार से और ओके करना है। फिर यहाँ पर भी आपको ओके करना है। अब यहाँ पर लास्ट में वैलिडेट सिग्नेचर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों ये ग्रीन टिक में कन्वर्ट हो चुका है, सिग्नेचर वैलिड हो चुका है और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ग्रीन कलर का यस का आइकॉन बना हुआ आ रहा है, यानी कि हमारे आधार कार्ड में जो यहाँ पर सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड था, अनोन यहाँ पर दिखा रहा था, वो दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, सिग्नेचर वैलिड दिखा रहा है, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने आधार कार्ड में जो सिग्नेचर है उसे वैलिड कर सकते हैं। अब इसे दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले सेव कर लेना है। सेव करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर सेव एज के ऊपर क्लिक कर लेना है।
इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको फोल्डर सिलेक्ट करना है किसमें आप सेव करना चाहते हैं और सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका ये जो आधार कार्ड है ये सेव हो जाएगा। फिर जब भी आप इस आधार कार्ड को ओपन करेंगे ये आपका जो सिग्नेचर वैलिड हो चुका है यही शो होगा। अब दोस्तों कैसे आप एडोब रीडर को डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल में एडोब रीडर, और पहला जो लिंक आएगा एडोब रीडर DC डाउनलोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको डाउनलोड का बटन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस सॉफ्टवेयर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में लैपटॉप में, उसके बाद आप अपने आधार कार्ड में सिग्नेचर वैलिड कर सकते हैं, समझ गए। तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट का काम है, 2 मिनट के अंदर आप अपने आधार कार्ड में सिग्नेचर वैलिड करा सकते हैं। जहाँ पर पहले सिग्नेचर नॉट वैलिड लिखा था, नॉट वेरीफाइड लिखा था, उसे दोस्तों हटा कर सिग्नेचर वैलिड कर सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।